अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को चाइनीज रोल बनाना बताएंगे, जो बहुत ही हेल्दी है और आपको नाश्ते में या आप लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे कभी भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाता है। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने यूज किया है आधा किलो चना बोटी, बोनलेस चिकन का मैंने चना बोटी ले ली है आधा किलो। मैंने लिया है एक बाउल कैप्सिकम, एक बाउल मैंने लिया है कैबेज पत्ता गोभी, मैंने लिया है एक बाउल स्प्रिंग अनियन, मैंने लिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 मैगी क्यूब्स, चिकन मैगी क्यूब्स, ये मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं इसके लिए आपको एक और चीज बताऊंगी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे घर में अदरक नहीं है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट जाता, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें ज्यादातर जाता है चॉप्ड ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन, मीन्स पूरे कटे हुए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और चिलीज तीखी है, उस वजह से हम नहीं डालेंगे। इसलिए मम्मी ने यूज किया है, अम्मा जी ने यूज किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप अगर चाहो तो चॉप करके भी अदरक लहसुन और मिर्ची डाल सकते हो काट कर। ये मैंने यूज किया है रोटी, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। हम इसकी जगह मैदे की रोटी भी बना के रोल बना सकते हैं, लेकिन हमने जो बची हुई सुबह की रोटी है वो मैंने रीयूज की है क्योंकि गेहूं की रोटी बहुत हेल्दी होती है, इस वजह से हमने गेहूं की रोटी यूज की। अगर आप चाहे तो आप मैदे की रोटी भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी और इंग्रेडिएंट्स है जो मैं सॉसेस के लिए यूज करने वाली हूँ, वो मैं आपको डालते टाइम बता दूंगी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको इंग्रेडिएंट्स देती ही हूँ। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल डाल दी हूँ, और उसमें मैं जो मैंने वेजिटेबल्स यूज किए कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन और कैबेज, उसको मैं स्लो फ्लेम पर थोड़ा फ्राई कर लूंगी, सॉटे कर लूंगी मैं उसे। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल के हाई फ्लेम पर इसे थोड़ा सॉटे कर लूंगी, फ्राई कर लूंगी। सारे वेजिटेबल्स डाल दूंगी मैं, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन और जो हमारी कैबेज है वो, और मैं ऊपर से थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। मैंने इसमें नमक डाल दिया है। ये देखिए जो वेजिटेबल्स है सॉफ्ट हुआ है। अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी, मैंने पहले नहीं डाला था, पहले मैंने कैप्सिकम और कैबेज को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया था, सॉटे कर लिया था। अब मैं स्प्रिंग अनियन डाल के उसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उसे भी सॉफ्ट होने दूंगी। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लूंगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, और मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। हम जो चिकन लिए है, बोनलेस चिकन, जो मैंने चना बोटी ली है चिकन की, उसे हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी 1/2 kg। मैं अदरक लहसुन के साथ इसलिए इसे फ्राई कर रही हूँ ताकि चिकन में और अच्छा टेस्ट आ जाए। अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे चिकन को। अब मैं इसमें डालूंगी 2 क्यूब चिकन मैगी क्यूब्स की। मैंने सारी चीजें मिला ली है। अब मैं इसे ढक के अच्छे से स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दूंगी चिकन को। मैं आपको बता दूंगी जब ये पूरी तरह से पक जाएगी। ये देखिए चिकन अच्छे से गल गई है पूरी तरह से, उसने पानी भी छोड़ दिया है, वो पानी में भी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे जो मैं आपको बताऊंगी अभी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना विनेगर डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल दूंगी मैं इसमें, 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी, 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। हमें फ्लेम को हाई कर देना है। मैंने सारी चीजें पहले स्लो फ्लेम पर पकाई थी, हमारी चिकन भी स्लो फ्लेम पर ही मैंने गलाई थी। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और पूरा जो पानी है चिकन का वो मैं उसे ड्राई कर लूंगी। ये देखिए चिकन अच्छे से ड्राई हो गया है। मैंने जो 3 वेजिटेबल्स यूज किए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। हम तीनों चीज को, मीन्स चारों चीज को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने जो चिकन और वेजिटेबल की जो स्टफिंग है वो मैंने साइड पे कर दी है। अब मैं रोटी के ऊपर लगाने के लिए सॉस बनाऊंगी, जिसके लिए मैं यूज करूंगी मेयोनीज और टोमेटो सॉस। मैंने यूज किया है 4 टेबल स्पून मेयोनीज और 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप। आप सॉस अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना चाहिए। ये देखिए मैं दोनों चीज को अच्छे से मिला लूंगी। हम एक पतला लेंगे, उसमें हम रोटी बिछा देंगे, उसके ऊपर मैं सॉस लगाऊंगी। हमें ऐसे सॉस लगाना है जैसे अम्मा जी बता रही है, आप वैसे ही कीजिएगा। जो मिक्सचर मैंने बनाया था मेयोनीज और टोमेटो केचप का, वो हम इसमें लगाएंगे। 1 टेबल स्पून जितना हम डालेंगे इसमें। फिर मैंने जो स्टफिंग बनाई थी हमने,
वो हम इसमें डाल देंगे। हमें स्ट्रेट इसमें ही डालना है ताकि वो रोल अच्छे से हो जाए। अगर हम फैला के डालेंगे तो पूरा वो स्टफिंग बाहर आ जाएगा। हमें ऐसे रोल कर देना है, उसे एक साइड से पूरा रोल कर देना है। हम गरम फ्राइंग पैन में उसे नीचे की साइड से प्लेस कर देंगे, रख देंगे उस पर स्लो फ्लेम पर, और हम उसे अच्छे से गरम होने देंगे। हम दूसरी रोटी बना रहे हैं, हमें वो भी सेम तरीके से बनाना है। एक टेबल स्पून जितना सॉस लगाना है, उसके ऊपर हमें स्टफिंग भरनी है। हम उसे रोल कर देंगे ऐसे ही। मैंने दोनों रोटीज को अच्छे से नीचे की तरफ से प्लेस कर दिया है, रख दिया है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी इस पे ताकि वो अच्छे से सेके जाए। हमारी ऑलरेडी सारी चीजें पकी हुई है, लेकिन हम इसे सेकेंगे अच्छे से ऑयल में ताकि वो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए और रोटी स्टिक हो जाए एक दूसरे में, और स्टफिंग बाहर नहीं आना चाहिए। हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, एक साइड अच्छे से क्रिस्प हो गई है, मैंने फ्लिप कर दिया है, इसे टर्न कर दिया है। अब दूसरी साइड भी मैं अच्छे से उसे पकने दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, ये रोटी अच्छे से पक गई है दोनों साइड से। अब मैं इसके अच्छे से प्लेटिंग कर दूंगी। चाइनीज रोल रेडी हो गया है, सर्व हो गया है, और देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है ये। उसमें मेयोनीज और जो भी वेजिटेबल्स यूज हुए हैं, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही हेल्दी भी है, एज अ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप इसे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व भी कर दिया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा बनाने के बाद। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।